another video on this channel. So guys, आज के वीडियो में मैं दोबारा से वही मैच कंटिन्यू करने वाला हूँ जो कि मैंने लास्ट वीडियो जो अपलोड की थी इस गेम की, जो मैच मैं कंटिन्यू कर रहा था, जो सीरीज मैं खेल रहा था, वही सीरीज को मैं आज दोबारा से कंटिन्यू करने वाला हूँ. सो जैसे कि आपको याद ही होगा, अगर नहीं आप लोग ने वो वीडियो देखा तो जाइए पहले उसको देख के आइए, नहीं तो ये आपको थोड़ा अधूरा वीडियो लगेगा. इस ये पहली गेंद पहले खेलते हैं. पहली गेंद पे चलता किया है बल्लेबाज को. क्या शुरुआत दिलाई है गेंदबाज ने अपनी टीम को. इस विकेट की तलाश थी इन्हें, कैप्टन काफी खुश गेंदबाज से. नॉट सो गुड. पवेलियन की ओर जाते हुए बल्लेबाज बड़े हताश. मैं थोड़ा गेम भी लैग किया इसमें और मैंने पहली बार भी सोचा कि थोड़ा लॉफ्टेड शॉट ट्राई किया जाए और बल्ले में बॉल आई नहीं और थोड़ा मिस टाइम हो गया जिसके कारण विकेट चला गया. हाँ बट गाइज, आप लोग को याद होगा जिसने लास्ट वीडियो देखा, अगर नहीं देखा है तो जाके देख के आओ. और क्योंकि लास्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था तो इस जो लास्ट वीडियो देख के आए उनको याद होगा कि 91 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे दो विकेट को. हम लोग बनाए होंगे 92 रन और बचे हैं हमारे पास गेंद 59. मैं इसको भी लॉफ्ट कर रहा हूँ. आई डोंट नो मैं बाय ऐसा कर रहा हूँ. बट गाइज बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, देखते हैं हम लोग क्या ये चेस कर पाते हैं क्योंकि ये थोड़ा टफ चेस होने वाला है. ऑलमोस्ट 100 रन इन 10 ओवर्स. बल्लेबाज पिछली गेंद के बारे में सोच रहे होंगे. मैं इसको पिक करना चाह रहा हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ. इसको फ्रंट फुट से भी खेलना था. मैं खेला फील्डर है. कम ऑन, आपको मैं फील्डिंग दिखा देता हूँ. फील्डिंग सेटअप कुछ ये है. बहुत ही लाइक अच्छा चल रहा है. सैमसंग से उम्मीदें हैं. सैमसंग फैंस देखना होगा क्या गेंदबाज शॉर्ट पिच गेंद की कोशिश करेंगे. फटाफट स्पैम कर दो सैमसंग कि इनको इंडिया टीम में खेलना डिजर्व करते थे. लेकिन तो लगी होगी, अजीब पोजीशन में आ गए थे बल्लेबाज. ओह माय गॉड. स्टेडियम दर्शकों से पूरी तरह से भरा हुआ है. आज हम लोग मैच जीत पाएंगे. अगर आज हम लोग मैच जीत पाते तो मैं दो प्लेयर्स को अनलॉक कर पाऊंगा जो कि कौन होने वाला है वो आई डोंट नो. लेकिन संजू सैमसन ने अपनी दूसरी ही बॉल पे छक्का मार दिया. बहुत ही ओपी और मिडिल ऑफ द बैट हुआ है जैसे कि आप लोग राइट में देख ही पा रहे हैं. तो बहुत ही मजेदार हुआ, मजा आया. बार रिप्ले देखना तो बनता है. मैंने तीसरी चाय इस ओवर में पुल शॉट ट्राई किया. 89 मीटर का छक्का. 89 मीटर इज नॉट जोकिंग. इट्स वेरी टफ टू स्कोर 89 रन्स. इस बॉल पे स्ट्रोक खेलते हैं. सो लेफ्ट कर दिया. सो अब दूसरी तरह से कैमरन गिल डालेंगे जो कि बहुत उभर के आए हैं हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से. चलिए देखते हैं. लेट्स सी, शुभमन गिल से उम्मीदें हैं कुछ रन बनाएंगे. सो ये मारा है शॉट. एक रन पर एक नहीं चौका आएगा. बहुत ही अच्छी टाइमिंग से स्ट्रोक पे चौका. बहुत ही शानदार शॉट. मिडिल नहीं हो पाया है लेकिन बहुत ही अच्छा शॉट जो कि चौके के लिए जाता हुआ. So, ये उसका रीप्ले. क्या लाजवाब शॉट था. और यहाँ पे अगर शॉट मिड ऑन होता, मिड ऑफ होता तो ये चौका नहीं विकेट हो सकता था. करनी होगी अब. बट एट द मोमेंट नहीं था तो बनता था. खराब शॉट सिलेक्शन. बिल्कुल समझ नहीं पाए गेंद को. मुझे लगा आ जाएगा लेकिन नहीं आ पाया. बट इस बॉल पे मैं कोशिश करूंगा, मारूंगा. ओ माय गॉड, ये थोड़ा टफ होने वाला है. Oh my. तगड़ा शॉट बल्ले के एकदम बीच से. क्या था, हेलीकॉप्टर, मिनी हेलीकॉप्टर बट छक्का. बहुत ही अजब बजट शॉट. मैंने स्क्रोलर नहीं घुमा पाया क्योंकि टाइम की कमी की वजह से. एंड यहाँ पे कुछ ऐसा शॉट लग गया. क्या बढ़िया खेला है. 80 मीटर का इतना छक्का. ओ माय गॉड, दिस हैज टू बी डिक्लेयर्ड द बेस्ट शॉट ऑफ द मैच. शानदार कैच पकड़ा है बाउंड्री लाइन पे. बल्लेबाज पवेलियन का लंबा रास्ता तय करते हुए. आप लोग खुद ही देख के बताओ क्या ये विकेट होता, क्योंकि मुझे नहीं लगता यार ये छक्का जा रहा था. ये सीधा सीधा बाउंड्री पार कर गया. ये पता नहीं कौन सा नया फीचर है, थ्रो करके आगे आके कैच पकड़ लिया. मैच का सर्वश्रेष्ठ कैच का दर्जा मिचेल मार्श ने ही दोनों कैच पकड़े. वाओ,
राजीव पाटीदार जो अपना डेब्यू कर रहे हैं इंडिया के लिए, उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है। कप्तान ने बढ़िया फील लगाई है और गेंदबाज भी फील के अनुसार ही गेंदबाजी कर रहे हैं। पुल करते इस बॉल पे, ओके ये छक्का जा रहा है, हाँ छक्का है। चलो कुछ उम्मीदें जगी हैं राजीव पाटीदार से। शुभमन गिल ने अच्छी नॉक खेली 11 रन की, लेकिन टीम को जितवा नहीं पाए। 16 रन को ये ओवर आ चुका है, बहुत अच्छा ओवर था ये। एक और छक्का लगातार, दो बॉल्स पे दो छक्के मार चुके हैं राजीव पाटीदार। क्या ध्यान, कितने अच्छे शॉट्स खेल रहे हैं, लाइक वेरी ब्रिलियंट ब्रिलियंट इनिंग्स बाय राजीव पाटीदार। 600 का स्ट्राइक रेट बट फेस टू बॉल्स, मजा आ गया। सैमसंग को एक तरफ से मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा आराम से खिलवाऊँ और उधर से राजीव पाटीदार से मरवाऊँ। उनका काम होने वाला सिंगल्स लेके स्ट्राइक देना एंड वो उधर से मारेंगे, जैसा कि उन लोगों की टीम से भी किया गया था। क्विंटन हेड मार रहे थे और वो जो क्विंटन डिकॉक थे वो उन्होंने सारा गलत कर दिया। ओवर थ्रो कर रहे थे टीम के खाते में, और लाइक रन्स की देखा जाए तो 2-13 बॉल में 31 रन, आई डोंट थिंक इट इज बैड। 60 रन और चाहिए मुझे अभी, और बचे मेरे पास सिर्फ 47 बॉल्स। बन सकता है बल्लेबाज को, ये बन से आशा करते हैं गंभीर ना हो। थोड़ा लेट हो गया मैं कह सकता हूं। ब्रिलियंट इनिंग्स, संजू सैमसन ने उठा दिया बहुत ही लंबा छक्का। आई गेस इट हैज लाइक 97 टू 98 मीटर से, आई थिंक सो इट विल बी, बिकॉज शॉट बहुत अच्छा टाइम हुआ है। गेंद सीधा बल्ले के 103 मीटर, वाओ जस्ट वाओ यार, 103 मीटर का छक्का, ओ माय गॉड। धीमी गेंद इस पिच पे एक अच्छा विकल्प होगा, इसको भी वही शॉट ट्राई करते हैं। ओ माय गॉड, ये भी उठ गया हवा में गेंद और भेज दी है बाउंड्री लाइन के बाहर। ये भी क्या 103 मीटर का होगा। Guys, Samsung hitting 100 plus sixes. OP in the comment section. एक और 103 मीटर का छक्का। OP. क्या इस बॉल पे भी मार पाएंगे? इजी मोड है तो थोड़ा इजी होगा बैटिंग करना, इसीलिए ये मैच थोड़ा जल्दी खत्म होगा कंपेरेटिवली। Then the एक और छक्का। Back to back three balls, three sixes. Like मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया? सकते हैं पावर प्ले खत्म हो चुका है, अब देखते हैं क्या होगा। अब थोड़ा रन मारना मुश्किल होगा, तो मैं कोशिश करूंगा थोड़े स्ट्रोक्स खेलने, क्योंकि स्ट्रोक्स पे ही, क्योंकि फील्ड हम लोग देख सकते हैं बहुत ज्यादा, 5 फील्डर इस बॉल पे। पहले मुझे थोड़ा इधर आना होगा, फिर ये यहाँ से ऐसे उठा दूंगा। ओ माय गॉड, हेलीकॉप्टर, मजा आ गया भाई। बहुत ही खासू बैटिंग कर रहे हैं रजत पाटीदार भी, क्रिकेट जो देखने मिल रही है उन्हें। पुल पे एक फील्डर होगा, लेकिन मैं तब भी रिस्क ले रहा हूँ। आई शुड हैव नॉट टेकन द रिस्क, आई शुड हैव नॉट टेकन द रिस्क, दिस इज वेरी बैड फ्रॉम मी। लाइक कितना अच्छा कैच भी कहा जाएगा, लेकिन मैं इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि रन अप बॉल चाहिए था एंड मैं रन अप बॉल पे सिंगल ले सकता था, बट आई हैव नॉट डन दैट एंड हैव रिटर्न। कहीं ऐसा ना मैं मैच मारने के चक्कर में विकेट से ही हार जाऊं, तारीफ करनी पड़ेगी गेंदबाज की यहां पे, क्योंकि अभी रन अप बॉल चाहिए, मैं आराम से बना सकता हूं। सो भी मैं इसलिए सिर्फ स्ट्रोक्स पे जा रहा हूं, आसानी से खेला है। स्ट्रोक्स पे जो सिंगल डबल आ जाएगा वो बहुत है। उत्साहित, लेकिन अंपायर ने एलबीडब्ल्यू की अपील की है, लेकिन नॉट आउट है, क्योंकि वो आउटसाइड ऑफ पिच हुई है एंड आई डोंट थिंक सो ये लोग रिव्यू भी लेने वाले, क्योंकि एआई को ऐसे ही सेट किया होगा लाइक और वो लोग रिव्यू जल्दी ना ले, सहमत है सो लोग रिव्यू नहीं लिए। तो ये जहाँ तक था नॉट आउट ही था, ये लेग स्टंप पे मेरे पैर पे एकदम यॉर्कर थे। ओके सो ये इसको उठाते हैं फिर से, बहुत ही कुणाल पांडे थे दूसरी बॉल पे मारने की कोशिश कर रहे, आई डोंट नो व्हाई। 38 रन चाहिए लास्ट 6 ओवर में, मैच बदल सकता है क्योंकि
वी डोंट नो बल्लेबाज व्हेन जरूर माय पिछली गेंद के बारे विकेट्स में विल सोच रहे फॉल एंड होंगे। आई कैन बी आउट एनी टाइम। ओह माय जबरदस्त गॉश, गेंदबाजी ऐसी बॉडी को खेल के मारा है, ये लंबा शॉट एक खेलने और का विकेट प्रयास गिरता और हुआ। गेंद सीधा फील्डर के हाथों इस में। ओवर में बहुत ज्यादा प्रेशर बन गया था क्योंकि इस तीन बॉल विकेट की शॉर्ट तलाश जा थी रही थी, इन्हें मैं कैप्टन थोड़ा काफी आराम खुश से खेल रहा गेंदबाज था, बट चौथी बॉल मुझे मारना ही पड़ा क्योंकि एक और रन काफी नहीं आया निराश था लग और रहे हैं। सैमसंग अगली भी पारी में कोशिश करेंगे कि निराश ऐसी जाते गलती हुए। फिर ना दोहराए। नॉट सो गुड, लाइक और बेटर कर सकते थे। अब ऋषभ पंत को यहाँ पे जिम्मेदारी निभानी होगी। आई विश हिम लाइक गेट वेल सून, लाइक आप लोग भी जानते हो उनके एक्सीडेंट के बारे में। आई एम श्योर अबाउट दैट, आई होप दैट ही विल रिकवर बिकॉज वी विल फील द लॉस इन WDC फाइनल एज वेल ऑफन, क्योंकि ही वाज सच अ प्लेयर दैट हू कैन चेंज द गेम एनी टाइम। आई थिंक सो आई डोंट वांट टू मेक इट अ विकेट मेड इन ओवर फर्स्ट ऑफ ऑल, सो आई एम जस्ट लाइक गोइंग फॉर लाइक सिंगल एनी हाउ। आई हैव टू गो सिंगल आ जाएगा, एक रन। थैंक गॉड मेडन नहीं गया, नहीं तो बहुत ज्यादा ही बुरा लगता कि मैं मेडन जाने दिया। खराब थ्रो, एक्स्ट्रा रन्स मिलेंगे बैटिंग टीम को। ओह माय गॉड, मैंने सोचा कि डबल ओवर थ्रो हो जाएगा बाहर जाएगा, लेकिन नहीं, वो फील्डर के हाथ ही भी गया, तभी एक रन आ गया। कैसे भी सबसे अच्छी साझेदारी हुई है रजत पाटीदार और सैमसंग के बीच में, 36 रन 11 बॉल में, बाकी तो 10 रन भी नहीं पार किए है, और वो साझेदारी भी टूट गई। अब स्पिनर को इस पिच पर कितना परचेस मिलता है, स्पिन स्पिन को मैं मारने की थोड़ी कोशिश करूंगा। खेलने के लिए क्रिस का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं ये। ये ऋषभ पंत भी हो सामने और सामने स्पिन भी हो, तो उम्मीद कर सकते हैं हम लोग कुछ खास। बहुत ही अच्छा चौका कुणाल पंड्या की तरह, सिद्धम बस बॉल को सहला दिया और बॉल चली गई सीधा चौके पे, बस बॉल आए और उसको उधर गैप में धकेल दिया, वहां पे चौका जाता हुआ। अब थोड़ी उम्मीद है दोबारा से जगी है, बाउंड्री की कोशिश करेंगे, चलो देखते हैं। एंड इस बॉल में मैं कोशिश कर रहा हूं सिंगल की, क्योंकि मुझे चाहिए कि अभी यहां पे बल्ले का किनारा जरूर लगा पर गेंद सीधा स्टंप्स पे। ये पहली बार हुआ है कि मैं मारने नहीं गया हूं, स्ट्रोक खेलने गया हूं, तब मैं आउट हुआ हूं। इस सफलता मैं के ज्यादा लिए शौक से खेला, जितना भी खेला उसी में एक विकेट भी आ गया। बल्ले पे लगने के अब बाद थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर अक्षर पटेल इनके अलावा अब कोई बचा नहीं है हम लोग के पास। तारीफ तो करनी पड़ेगी गेंदबाज की, यहाँ पे अच्छे रिदम में लग रहे हैं। ओ माय गॉड, अभी थोड़ा संभाल के काक ओवर खेलना पड़ेगा। आई वॉन्टेड कि ऋषभ पंत इस पर स्ट्राइक पे आते ताकि थोड़ा स्पिनर है तो थोड़ा मारते, पूरे ओवर तो ऑफ स्ट्राइक ही रहे लास्ट बॉल एक रन के लिए। मैं एक ही रन लेने वाला हूँ क्योंकि मैं लास्ट बॉल ट्राई करने वाला हूँ ऋषभ पंत के साथ फॉर गोइंग एंड हिटिंग अ हाई यानी ह्यूज सिक्सर, क्योंकि ओवर सिर्फ 5 रन का गया है और एक विकेट भी आ चुका है, तो थोड़ा कुछ रिक्वायरमेंट है, तो बॉल के हिसाब से मुझे मारना तो इधर चाहिए। मैंने उधर मार तो दिया है, शानदार शॉट, मिडिल नहीं हुआ लेकिन तब भी जैसा पंत ने छक्का उठा दिया है और क्राउड के एक्साइटमेंट सब लोग देख ही सकते हैं और खासकर डगआउट में भी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा ही है। ऋषभ पंत ने आस बॉल पे छक्का उठा के बता दिया है कि वो स्पिनर को अभी भी बहुत ही अच्छा खेलते हैं, उनसे बेटर कोई स्पिनर्स को क्या नहीं खेल बढ़िया सकता खेला है। कॉन्फिडेंट शॉट 80 मीटर का इतना लंबा ऑफ साइड पे कवर में छक्का, बहुत ही अभी थोड़ा ड्रिंक ब्रेक हुआ में एक और मार्कस स्टॉइनिस के सामने ऋषभ पंत, देखते हैं क्या होता है। आई एम गोइंग टू ट्राई एंड हिट और फिर वही रीजन में मैं जाऊंगा क्योंकि वो रीजन अभी थोड़ा खाली है। बढ़िया गेंदबाजी, खाली है लेकिन तब भी मुझे थोड़ा सोच के मारना होगा। जरूर पिछली गेंद के बारे में सोच रहे होंगे। हां बहुत लेट हो गया, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन गेंदबाज सेट द्वारा, लेट ज्यादा हो गया बट तभी भी बहुत ही अच्छी सिचुएशन में ये मैच 24 रन से ही मुझे 21 क्या ये विकेट ले पाएंगे, चलिए देखते हैं। लाइक इट्स पॉसिबल, ओहो चतुराई से गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज,
गेंदबाज अच्छी लय में लग रहे हैं, क्या ये विकेट ले पाएंगे? इस बॉल में मारूंगा क्योंकि चार बॉल्स में सिर्फ एक रन आया है। आई हैड टू गो फॉर दिस मैन एंड मार दिया मैंने एक बहुत ही अच्छा छक्का। अब क्राउड के एक्साइटमेंट तो लाजवाब। पूरी तरह नियंत्रण में थे बल्लेबाज। 89 मीटर्स का एक बहुत ही अच्छा छक्का, वेल डिजर्व्ड। मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया और यही जाएगा थंबनेल पे भी। जो बहुत ही अच्छा चल रहा है एंड आई थिंक सब लोग मैच जीत सकते हैं। भले ही पिछले ओवर में 7 रन आए थे सिर्फ, लेकिन अभी बड़े शॉट मारने के पहले बल्लेबाज को पिच पर थोड़ा समय बिताना होगा। वॉशिंगटन सुंदर समय तो टाइम बिता रहा हूँ क्योंकि हु नोस कि वो कब मार दे। आसानी से खेला एक रन के लिए, एक रन आराम से इनसे लेंगे और फिर ऋषभ पंत उधर से मारेंगे। जैसे कि देख ही रहे हैं 8 बॉल में 14 रन की अच्छी नॉक खेल चुके हैं ऑलरेडी। 17 रन 17 बॉल्स No, going not any thriller is not coming in this match. I hope so. I don't want even. And ये हाँ छक्का जरूर जा रहा है। मिचेल मार्श से 2 कैचेस पकड़े थे और दोनों कैचेस की उनको भरपाई उनकी बॉलिंग में जरूर करनी होगी क्योंकि ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। इंडिया विद टीम सी आई थिंक सो नॉट इवन दी टीम सी is able to defeat Australia best team at the moment. So I don't know what will happen in the WTC final. And एक और छक्का ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत भाई मार रहे हैं। बड़ा छक्का। ऋषभ पंत मार रहे हैं। दम ऋषभ पंत से तो दम मजा करा दिया। भाई ऋषभ पंत एक बार ओपी स्पैम कर दो। कमेंट सेक्शन में ऋषभ पंत ओपी स्पैम हो जाना चाहिए गाइस। इस बॉल पे क्या मैच खत्म होगा? नहीं आई डोंट थिंक सो क्योंकि ऐसे बॉल है कि मैं उसको मारना नहीं चाहूंगा। किसी ओके ये चौका जाता हुआ और गेंद सीधा जा रहा है के बाहर। लाइक मैंने सिर्फ ड्रिफ्ट किया था तो चौका चला गया। बहुत ही ऑसम। उनको परिस्थिति संभालनी होगी। So, देखते हैं अभी ये लास्ट है। जब ये मारना शुरू करते हैं तो इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बॉल पे इसी ओवर में मैच खत्म होगा। आई वांट ऋषभ पंत करें। मैंने कुछ अलग शॉट भी ट्राई कर दिया है। जबरदस्त शॉट बल्ले का बढ़िया कनेक्शन और गेंद गई सीधा यात्रा पर। विंस द मैच ये सिंगल वन बाउंसर फॉर ओवर कर दिया। ये मैच खत्म हो चुका है। दोनों बल्लेबाज एक दूसरे को मुबारक देते हुए अपनी जीत की खुशी मनाते हुए। इंडिया लिव्स द वर्ल्ड कप नॉट इंडिया लिव्स द इजी मीडियम टू कप एंड उधर इन सब के बीच में डिस्कशन होता हुआ इंडिया जीत के खुशी मनाती हुई। एंड अब मैं 2 प्लेयर्स को अनलॉक कर पाऊंगा इन 10 प्लेयर्स के बीच में क्योंकि लिस्ट मेरे हाथ नहीं है। मैंने सोच लिया मुझे कौन से 2 प्लेयर्स को अनलॉक चाहिए फॉर द नेक्स्ट मैच। एंड नेक्स्ट मैच मैं किस टीम से करूँ वो आप लोग मुझे बताना। ये ऋषभ पंत को मिलता हुआ वो तो इसका स्क्रीनशॉट तो बनता है। सो बहुत ही अच्छी पारी ऋषभ पंत की। मैन ऑफ द मैच अवार्ड आई होप ही विल डू दिस गोइंग ऑन इन योर माइंड व्हाइल यू वर इन द मिडिल। इट वाज ग्रेट टू हैव द कैप्टन्स फेथ एंड इट रियली हेल्प्ड मी आउट देयर। इट रियली हेल्प्ड हिम आउट देयर। Okay, India won the first by 5 wickets. I hope you like this match. So, अभी पहले मैं चलता हूँ बाहर और फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैं कौन से 2 प्लेयर्स को करने वाला हूँ अनलॉक। So, मेरे 2 प्लेयर्स जो मैं इसको अनलॉक करने वाला हूँ वो होने वाले हैं विराट कोहली एंड जडेजा। So, ये 2 प्लेयर्स होंगे जो मेरे टीम से 2 लॉक होने वाले हैं नेक्स्ट मैच के लिए। नेक्स्ट मैच में किस टीम के साथ खेलूँ ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड आई होप आपको ये वीडियो में पसंद आया होगा। जाइए और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मैं आप लोग से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।